वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिवाइस के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने खुद बनाया है। तो ये एक वोल्टेज कन्वर्टर है जो डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है वोल्टेज को। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक जीरो पीसीबी लें और एक 7812 IC और 7805 IC और एक जेनर डायोड विद 5.7 के रेजिस्टेंस एंड 104 pF 16 V 220 μF कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इन दो वोल्टेज रेगुलेटर को इस जीरो पीसीबी के ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो इसे इस तरह से एडजस्ट करना है और इनमें कुछ डिफरेंस रखे ताकि आपस में ये शॉर्ट ना हो, और फिर इन्हें शोल्डर कर लेना है। इन तीन पिन को अच्छी तरह से शोल्डर करें और इस बात का ध्यान रखें कि ये आपस में शॉर्ट ना हो, नहीं तो आपका जो सर्किट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसकी इनपुट और आउटपुट पिन पर हमें एक एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम 104 pF को कनेक्ट करेंगे और इसके आउटपुट पर हम 16 V का कैपेसिटर भी कनेक्ट करेंगे ताकि इसकी वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो। और इसके साथ ही हमें इनपुट पिन पर एक 5.7 के का रजिस्टर भी कनेक्ट करना है, और इसके साथ ही हमें रजिस्टर के एक 3.3 V का जेनर डायोड भी कनेक्ट करना है। तो इसे भी आप अच्छी तरह से शोल्डर कर लें। और ये सर्किट एक मिनी SMPS की तरह वर्क करेगा, तो जिससे कि तीन सप्लाई निकलेंगी और एक आप इसे इनपुट देंगे। तो आपकी इनपुट 12 V से लेकर 24 V के बीच होने तभी आपकी ये तीनों सप्लाई अच्छी तरह से वर्क करेंगी और ये मैक्सिमम 2 A का करंट भी टॉलरेट कर सकता है। सभी पिंस को आप अच्छी तरह से शोल्डर कर लें और बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप इस पे हीट सिंक भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सर्किट लगभग रेडी हो चुका है, तो अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो आप अच्छी क्वालिटी की वायर लें ताकि कोई भी इसका करंट लॉस ना हो। तो ये हमने इस तरह से इसकी वायरिंग कर ली है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी सर्किट डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो में दी गई है। तो अब हम इसको चलाकर देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो जस्ट आपको सर्किट डायग्राम फॉलो करनी है, इस तरह से आपको सभी सर्किट को बनाना है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो जहां पर आपको डीसी इनपुट करना है 12 V से लेकर 35 V तक कर सकते हैं आप मैक्सिमम। और अब हम इसे टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं मल्टीमीटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये 12 V इसकी फर्स्ट पिन पर, ये 5 V सेकंड पिन पर, और थर्ड पिन पर ये 3.3 V के करीब बता रहा है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्किट हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है ये। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।